दोस्तों, यहाँ पार्लियामेंट में रवि किशन के बयान के बाद से यहाँ पर हमें एक अलग ही हंगामा होता दिख रहा है। और यहाँ खासकर इस मामले में यहाँ पर जया बच्चन के पलटवार के कारण यहाँ पर हमें बॉलीवुड भी दो भागों में बढ़ता दिख रहा है। और जैसे कि यहाँ बॉलीवुड में कई सारे स्टार्स जो कि यहाँ जया बच्चन की साइड ले रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैं दूसरी तरफ रवि किशन के सपोर्ट में यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी सारे स्टार सामने आते दिख रहे हैं। जैसे मस्त यहाँ बॉलीवुड में तो कई सारे स्टार जो कि यहाँ रवि किशन का सपोर्ट कर ही चुके हैं, लेकिन जैसे कि वहीं कई सारे भोजपुरी स्टार जो कि यहाँ रवि किशन का सपोर्ट करते दिख रहे हैं। ऐसे मस्त इसी बीच निरोवा यहाँ पर कहते दिखे, गोरखपुर के माननीय सदस्य बड़े भैया, रवि किशन जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, कुछ लोग को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। और वहीं जैसे कि इसी बीच आम्रपाली दुबे हमें कहती दिखी, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर रहे, उस थाली को साफ रखना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ थाली में खा सके। और जैसे कि इसी बीच हमें अक्षरा सिंह का वीडियो देखने को मिला। दोस्तों, दो तीन दिन पहले रवि किशन जी ने संसद में अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने आवाज क्या उठाई, एकदम से हंगामा मच गया। कोई कहता है थाली में छेद कर रहा है, तो कोई पूरी की पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पर ही उंगली उठा रहा है। मैं कहती हूं कि अगर इंडस्ट्री में कुछ सुधारने की कोई कोशिश कर रहा है या उसके लिए मांग कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर काजल राघवानी भी कहती दिखी कि यार रवि किशन जी ने सही कहा है। और समझते हैं जिस तरह से रवि किशन ने ठान लिया है कि वो बॉलीवुड की गंदगी को साफ कर रहेंगे, तो इसमें यहाँ तो यही लग रहा है कि यहाँ बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने में यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री भी काफी अहम रोल निभाने वाली है। इसमें तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट का बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।